हाई सेजटेरियंस एंड दिस इज द रीडिंग फॉर योर मंथ ऑफ नवम्बर मैं यहाँ पर तीन डेक्स में से कार्ड उठाने वाली हूँ एक है ऑसेट इजिप्शियन डेक और रैकल डेक सॉरी नॉट डेक जो नया आया है और आपके लिए कार्ड निकला है बास और दूसरा है रैकल टैरो रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड तीसरा चारो है क्वीन ऑफ एंड द सन कार्ड सो लेट्स सी ये क्या कहना चाहता है पहले तो सो uh, so, uh, ये कह रहा है कि आपको आराम की जरूरत है और थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है मेडिटेशन और आराम और हैरानगी की बात यह है कि ये भी यही कह रही है कि आपको आराम करने की ज़रूरत है मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और अपना समय एक एक पल इन्जॉय करने की ज़रूरत है इंजॉय करो अपने एक एक पल को और किसी भी चीज़ से घबराओ मत डरो मत हर वक्त काम करते रहना कोई ज़रूरी नहीं होता है इसके अंदर बिल्लियाँ हैं और वो एक बिल्ली के कहते हैं नौ जिंदगियाँ होती हैं और एक बिल्ली के लिए नौ रेल्म्स पार करना मतलब नौ घनत्वताएं या एक घनत्वता में नौ सीढ़ियाँ वो पार करना बहुत आसान होता है ये ये कह रही है कि मैं आपके लिए शुभ संदेश लाती हूँ आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है और अगर आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है तो उनके साथ आपकी ज़िंदगी आपके रिश्ते बहुत सुंदर होने वाले हैं बहुत प्यारे होने वाले हैं इसके अलावा वो कहती है कि हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो जाए और अगर प्रेग्नेंट हुए तो दो तीन बच्चे तीन चार पाँच मुझे नहीं पता मतलब होंगे तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के चांसेस हैं आ, और आ, चिंता करनी छोड़ दो पैसों की भी चिंता मत करो बस अपनी जिंदगी का हर पल इन्जॉय करना सीखो और बास्त को याद करो जब भी आप उसको याद करोगे वो आपकी ज़िंदगी में खुशियों के पल और खुशियों के फूल बिखेरती रहेगी रेस्ट एंड रिजुविनेट अपनी दिन रात काम करके या चिंता करके या जो भी किया है आपने जिसकी वजह से आप इतने थक गए हैं आपकी अपनी एनर्जी को दोबारा गैदर करने की ज़रूरत है उसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है रेस्ट ज़रूरी है आपके दिमाग में बहुत सारी उलझने हैं आप सोच रहे हो मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ ऐसा भी कर लूँ वैसा भी कर लूँ इतना ज़्यादा कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप अपनी उलझनों में किस तरह से उलझ गए हो और खो गए हो Uh, कुछ नया करने की सोच रहे हो पर यहाँ पर भी कार्ड में मुझे तो मेडिटेशन ही दिख रहा है मेडिटेशन इज वन टू थ्री वेरी इम्पोर्टेंट दूसरा ये कहता है कि हो सकता है कि आप बच्चों की चिंता कर रहे हों आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है uh, एक तो अगेन अपनी एनर्जीज़ अपने और को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है कहीं कोई गलत नज़र तो नहीं डाल रहा आपके परिवार पर या आप पर आ, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो प्लीज़ उनका ध्यान रखना कि कोई अनहोनी ना हो आपके बच्चों के साथ इसलिए उन्हें उन पर कड़ी नजर रखना उन्हें सुरक्षित रखना बास से कहो वो आपके बच्चों को सुरक्षित रखे आके इंजुल माइकल से कहो ओके रा, सो आई सी द आंख आपको मेडिटेशन करके अपनी पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने की बहुत ज़रूरत है आप जिंदगी के सिर्फ एक ही पहलू को देख रहे हो जहाँ पर दुख तकलीफ़ चिंता डर अंधेरा है लेकिन हर पहलू का हर सिक्के के दो पहलू होते हैं तो एक पहलू का एक दूसरा पहलू भी होता है थोड़ा सा उसकी तरफ भी ध्यान ध्यान दो हर वक्त चिंता में रहना उलझे हुए रहना ज़रूरी नहीं है आँ... ये कार्ड भी यही दर्शा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो मेंटल स्ट्रेस आप ले रहे हो फिज़ूल का आ, उसकी वजह से कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए तो आप आ, आराम करना सीखो आप शायद आराम करना नहीं जानते या नहीं सीखते आ, अगर आप अपनी ये रीडिंग ये सन साइन, मून साइन और असेंडेंट साइन के लिए है गहराई में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आ, मेरे वेबसाइट का नाम है गनी डॉट कॉम नीचे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए मेरा सोशल मीडिया मेरी वेबसाइट वगैरह वगैरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें आ, इसके अलावा अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो सैजिटेरियस सन या मून हैं तो यू कैन शेयर इट विद देम मे बी दे बी थैंकफुल कल मैंने इक्लिप्स का असर कैसा होने वाला है उसके बारे में छः महीने की गाइडेंस के हिसाब से वीडियो डाला था अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखना और उसके अलावा मंगल जो कल वक़्रियत हो गया उस मंगल का आपके सनसाइन मूनसाइन पे क्या असर पड़ेगा आ, उसका वीडियो भी डाला था जो चार महीने की गाइडेंस है सो डोंट मिस आउट ऑन दैट उससे आपको थोड़ी सी और गाइडेंस मिलेगी uh, तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ नवंबर तक के लिए है पर वो चार महीने छः महीने थोड़ी सी uh, ज़्यादा गाइडेंस देता है आपको uh, एक अंदाज़ा देता है कि व्हाट हैज़ लाइफ इन स्टोर फॉर यू फॉर द नेक्स्ट सिक्स ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज टेक हॉरोस्कोप रीडिंग आई मीन दिसंबर में आपका बर्थडे आ जाएगा वेरी सोन एंड इट्स ऑलवेज बेस्ट टू टेक अ हॉर्स रीडिंग, इट रियली हेल्प्स बिकॉज उसके अंदर आपको और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है खैर सी यू सोन गुड बाय